दोस्तों, क्या आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं? क्या आप पहली बार पासपोर्ट बनवा रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए पासपोर्ट बनवाने के लिए। तो आज हम उन सबके बारे में बात करने वाले हैं जो लोग माइनर हैं, जिनकी एज 18 से कम है, जिनकी एज 18 से ज़्यादा है, जो अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे हैं, सबके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आप सबके डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा। तो वीडियो को आप पूरा देखना ताकि आपको पता चल सके कि आप जिस एज में हो उस एज में आपकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ताकि आप अपना इजीली पासपोर्ट बनवा सके। पूरा भाई सब ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, सब कुछ आपको इजीली बता दूंगा, किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास वो सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट है तो आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं माइनर की कैटेगरी में। सबसे पहले 18 से कम की एज वालों की बात करते हैं, उसके बाद उससे ज्यादा की बात करेंगे, फिर अनपढ़ लोगों की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखते रहना, ठीक है? तो देखो, माइनर की कैटेगरी में क्या है ना, उनके पास दो ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, ओनली टू डॉक्यूमेंट्स, एक आधार कार्ड, एक बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि उनकी एज 18 से कम है तो बाकी डॉक्यूमेंट उनके लगेंगे नहीं। अब माइनर की कैटेगरी में अगर इनके दो डॉक्यूमेंट लग रहे हैं ना, तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट पेरेंट्स के लगेंगे, उनके पेरेंट्स के, उनके मम्मी पापा के। अब उनको अगर उनके मम्मी पापा के पास पासपोर्ट है तो उन्हें वहां पर वो दिखाना होगा, वो भी डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं। तो भाई माइनर की कैटेगरी में पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ सब कुछ पेरेंट्स के हिसाब से ही रहेगा सब कुछ। तो माइनर का बस दो ही डॉक्यूमेंट लगेगा। अब हम बात करते हैं जिनकी एज 18 से ऊपर है, ठीक है, जिनकी एज 18 से ज्यादा है, उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो देखो, 18 से एज अगर आपकी ऊपर है तो पासपोर्ट बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जो कि नॉर्मल है, पैन कार्ड होना चाहिए, सबके पास रहता है, ड्राइविंग लाइसेंस सबके पास होता है, नहीं है वोटिंग कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास लाइट बिल होनी चाहिए, ठीक है, बेरा बिल हो, लाइट बिल हो चलेगा, या तो आपके पास अगर लाइट बिल नहीं है, बेरा बिल नहीं है, तो अगर आप भाड़े पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। अब इन सारे डॉक्यूमेंट के अलावा आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, अगर आप इसी एनआर कैटेगरी में बनवाना चाहते हैं तो आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए 10वीं का। अगर आप इसी एनआर कैटेगरी में नहीं, ईसीआर में बनाना चाहते हैं तो बिना मार्कशीट के भी आप बनवा सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया। जो लोग अनपढ़ है ना, अब हम उनकी बात करते हैं, जो लोग समझ लो भाई पढ़े लिखे नहीं है, अनएजुकेटेड है, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट जो लगेगा, आधार कार्ड नॉर्मल, पैन कार्ड नॉर्मल, वोटिंग कार्ड नॉर्मल, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ठीक, नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस नॉट मैंडेटरी, नहीं होगा तो भी आपका चल जाएगा, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, और वो मैंने आपको बता दिया, और आपके पास जहाँ भी आप रह रहे हो ना प्रॉपर, नहीं पढ़े लिखे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जैसे कि भाड़े पर रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, अगर आप भाड़े पर नहीं रहते हो तो जो घर में, अगर आपका खुद का घर है तो आपके पास लाइट बिल होनी चाहिए, अगर लाइट बिल भी नहीं के ऊपर भी नहीं अगर वो लोग कर रहे हैं तो आपके पास बैंक का पासबुक होना चाहिए जहाँ पर जो है आपका घर का एड्रेस लिखा होता है। ये डॉक्यूमेंट आप लगा के अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं, अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी उस कंडीशन में भी आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि माइनर या फिर 18 से एबव आपकी एज है, या फिर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी अगर आप पासपोर्ट बनवाते हैं तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। फिर से एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं आपको। देखो, वीडियो को लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं है, छोटा बनाएंगे, बट सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में ही, इसी में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई और भी बातें रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा बहुत ही जल्द, उसके ऊपर मैं नई वीडियो जरूर बना दूंगा। अगर मुझे लगा कि हाँ ये वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों को कमेंट है तो इसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो एक बार फिर से मैं डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, माइनर की कैटेगरी में बस बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड लगेगा, बाकी पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट लगेगा। 18 प्लस हो तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड, ये तीन, और इलेक्ट्रिक बिल, और अगर आप पढ़े लिखे हो तो मार्कशीट, अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो मार्कशीट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर आप भाड़े पे हो तो रेंट एग्रीमेंट वहाँ पर यूज़ कर लेना, लाइट बिल यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट है माइनर, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब हम उस कंडीशन की बात करते हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं है फिर भी उन्हें ईसीएनआर कैटेगरी का पासपोर्ट बनवाना है। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, ईसीएनआर कैटेगरी का बनवाना है, तो अगर आपके पास 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है गल्फ कंट्री में जॉब करने का तो आप ईसीएनआर कैटेगरी का पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो अगर आपके पास सीनियर सिटीजन अगर आप एक हैं तो आप ईसीएनआर कैटेगरी का पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपके पास अगर 3 साल से पुराना जो है ITR रहता है, रिटर्न फाइल जो आप बोलते हैं हम भरते हैं, वो अगर 3 साल से पुराना का है तो आप अपना ECNR कैटेगरी का पासपोर्ट बनवा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा होगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है पासपोर्ट बनवाने के लिए। सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो में दे दी है, तो वीडियो को भाई दोस्तों के साथ भी शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे और आगे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहे हमारे इस चैनल के ऊपर, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।